आज हम 2019 के पार्ट 1 के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। कल हम पार्ट 1 को डिस्कस किया था, तो ये क्वेश्चन हमने लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन है डिफाइन लीनियर इक्वेशन, तो ये डेफिनेशन आप इसको खुद कर लीजिएगा, पेज पे चैप्टर में गिवन है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, 2 × 7x − 6 एंड 3 × 1 + 3x, फाइंड एक्स करना है। तो सबसे पहले आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें, 2 × 7 = 14x − 12, 3 × 3 + 3 × 3 = 9x, 14x − 9x 3 + 12, ये आ गया हमारे पास 5x, ये आ गया 15x = 3। बेसिकली यहाँ पे आप जब जैसे मल्टीप्लाई कर लें, उसके बाद देखें आप जो वेरिएबल साइड है उसको एक तरफ कर लें और कॉन्स्टेंट साइड को एक तरफ कर लें। जैसे मैंने देखा वेरिएबल इस तरफ बड़ी पहली है जिसके अंदर 14x लिखा हुआ, इसलिए मैंने 9x को उठा के इस तरफ कर लिया, 12 इधर था नेगेटिव, ये इधर जाके पॉजिटिव हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है, वो ये लिखा हुआ। आप इसको इक्विवेलेंट ही तसव्वुर कर लें तो भी क्वेश्चन आपके लिए आसानी हो जाएगी। ये माइनस वन उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस वन, ये बेस एक्स, ये टू पे डिवाइड कर लें, ये आपके पास 3 आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 होगा। इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 3 है इसी पार्ट का, तो 2x² − 3x = 0। अब यहाँ से x कॉमन ले लो, 2x − 3 = 0, x = 0 ले लें, 2x − 3 = 0, और यहाँ से आप x की फिर वैल्यू निकाल लें, x = 3/2, आपके पास सोल्यूशन सेट आ गया 0 और 3/2 वैल्यू। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मैं आ जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये इस तरह वैल्यू निकली, तो आप इसको अलग अलग से = 0 ले लें, या मल्टीप्लाई करके भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये बेहतरीन तरीका ये, अब यहीं पे इसको सेपरेट कर लें। ये आपका जो है क्वेश्चन में, क्योंकि इसको फैक्टराइज करना है, तो आप मल्टीप्लाई करें तो 5 ऐड करें तो 6 है, तो आप दोनों वैल्यूज आप माइनस की लें, ताकि दोनों वैल्यूज आप माइनस की ऐड करें तो सेम आ जाएगा। ये बेसिकली ये कंप्लीट क्वेश्चन मैंने कर लिया, इन दोनों में ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, और ये इसमें से फिर मैंने x कॉमन लेने के बाद x − 5 इनमें से, इन दोनों में से मैंने x − 5 कॉमन ले लिया, तो बाकी बताएं x − 1, फिर इन दोनों के अलग अलग करके = 0 कर दिया क्वेश्चन। इसके बाद हमारे पास 2 क्वेश्चन हैं प्रोडक्ट के, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर है g6, वो है जी डेफिनेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा जी, उसके बाद वो आप खुद कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर फाइंड द मैट्रिक्स प्रोडक्ट है, उसको देख लेंगे। कला व्हाट्सएप ने माशाल्लाह इतना छोटा छोटा लिखा हुआ है, वो लग ही नहीं रहा कि ये देखिए जी, ये डिफरेंस है इसमें, उन्होंने कटा करके लिख दिए, चलो बड़ी मेहरबानी कर दी जी। अगर पॉसिबल है तो इसकी प्रोडक्ट फाइंड कर लें आपने, आप पहले देखते हैं कि फर्स्ट की कॉलम्स देखते हैं, सेकंड की रोज देखते हैं, तो फर्स्ट के कॉलम शू है, सेकंड की रोज शू है, तो ये पॉसिबल है मल्टीप्लीकेशन में, 2 × 1 ठीक है, प्लस का साइन 5 × 2, 2 × −1 प्लस 5 × 3, ये अगर 2 + 10, ये आ गया −2 + 15, ये 12 और 13। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम चेक करें प्रोडक्ट पॉसिबल है कि नहीं। (5, 2, 3, 4) नेक्स्ट जो कॉलम है उसमें हमारे पॉसिबल है 2 और। प्रोडक्ट में हमने ये फाइंड करना है कि पहले के जो कॉलम है सेकंड की रोज बराबर होनी चाहिए, तो रोज 2 है, 2 कॉलम्स है, तो पॉसिबल है प्रोडक्ट यहाँ पे 5 × 2 + 2 × 3 × 4 × 10 + 6 = 12। यह आ गया 16। थैंक यू वेरी मच, कल थर्ड पार्ट है।